हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आज हम बनाएंगे अरवी की सूखी सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी लगेगी, एकदम नए तरीके से हमने ये सब्ज़ी बनाई है। ये रेसिपी आपको ज़रूर ही पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसका टेस्ट एकदम अलग हटके है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। तो ये देखिए, सूखी सब्ज़ी एक नई तरीके की हमने बनाई है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, हमने 500 ग्राम अरवी ले ली है, यानी कि घुइयां। हमारे यहाँ इसको घुइयां बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। और ये देखिए, अरवी छीलने से हाथों में खुजली होने लगती है, तो इसलिए हमने ये सरसों का ऑयल लगा लिया है। और वो भी हमने एक हाथ में लगाया है और दूसरे हाथ के सिर्फ अंगूठे में लगाया है। और अगर दोनों हाथों में हम ऑयल लगा लेंगे तो हमारा चाकू है जो हाथ से स्लिप होगा, तो इसीलिए हमने एक हाथ में ऑयल लगा के इस तरीके से अरवी को छील के रेडी किया है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी अरवी है छील के रेडी करेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से छिल जाएगी और ऑयल लगाने से हमारे हाथ में खुजली भी नहीं होगी। तो सारी अरवी हमने छील ली है, अब हम इसको धुलेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है और इसके छिलके भी हैं। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार। तो ये देखिए, हमने इसको साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद में हम इसको सुखाएंगे, इसका पानी पोंछ लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा, ये गीली रहेगी तो ये लिबलिबी सी हो जाती है, चिपचिपी सी। तो इसको हम एक सूती साफ कपड़े पे डालकर इस तरीके से इसका पानी पोंछ के हमने रेडी कर ली है। ये देखिए, और इसका पानी पोंछने के बाद में अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने से पहले हम फिर से एक हाथ में ऑयल लगाएंगे, और एक हाथ में ऑयल लगाने के बाद में इस तरीके से हम कट करेंगे। अगर आपने बिना ऑयल लगाए अरवी कट कर ली है और आपके हाथों में खुजली होने लगी है, तो आप हाथ को अच्छे से साबुन से वॉश कर लें, इसके बाद में ऑयल लगा लेंगे, तो काफ़ी हद तक खुजली में आराम मिलेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने लंबी स्लाइस कट की है, जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राई बनाते हैं तो आलू को जिस तरीके से कट करते हैं, उसी तरीके से हमने सारी अरवी कट कर ली है। अब हमने गैस ऑन की है, उस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म होने के बाद में ये हमने घी ले लिया है, अंदाज से एक बड़ी चम्मच। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, खाने वाला कोई भी ऑयल, लेकिन हम इसमें घी यूज कर रहे हैं। घी से और भी अच्छा फ्लेवर आता है। और हमने हींग और अजवाइन का इसमें छौंक लगाया है। अजवाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अरबी के लिए। तो अजवाइन हमारी ये चटक चुकी है, और अब हमने जो अरबी कट करके रखी थी, यानी कि घुइयां, तो वो हमने इसमें डाल दी है। और कुछ देर इस तरीके से चलाते हुए हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें, अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो अरबी है ठीक से पक नहीं पाएगी। और इस तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे कुछ देर, बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे और इस तरीके से इसको पकने देंगे। तो ये देखिए, इसमें हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आने लगा है। जिस तरीके से हम पोटैटो से फ्रेंच फ्राई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमें बनाना है, सिर्फ हमको इसको सैलो फ्राई करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो ये हमने 4 हरी मिर्च ली हैं, इनको हम इस तरीके से लंबी स्लाइस में कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने 4 मिर्च लंबी स्लाइस में कट कर ली हैं, इसको हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। और बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से अरवी पक भी जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हमें ये ढककर नहीं पकानी है। अगर आपने अरवी को ढक दिया तो ये चिपचिपी हो जाएगी, पानी छोड़ देगी। तो इसलिए हमें अरवी को खोलकर ही पकाना है, ढकना नहीं है। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे नमक। लगभग ये अरवी हमारी 80% पक चुकी है, और अब हम इसमें नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद में हमने हल्दी डाली है, और हल्दी डालने के बाद में भी हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। और अब हम इसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने स्वादानुसार ही लें।
जिसे तीखा ज़्यादा कम पसंद हो जैसा वैसा ही मिर्ची को लें और इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारे कलर एकदम खुल के आए हैं, बहुत ही सुंदर देखने में लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और कुछ देर हम अरबी को और पकने देंगे, तब तक हम ये अपने प्याज कट कर लेंगे। मीडियम साइज़ के हमने 2 प्याज लिए हैं, तो इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। इस तरीके से इसकी हम स्लाइस कट कर लेंगे। और ये देखिए हमने सारे प्याज की ऐसी स्लाइस कट करने के बाद में इसको क्रश कर देंगे, जिससे इसके सारे लच्छे हैं निकल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इसको हम डालेंगे अरबी में, और अरबी में डालने के बाद में मिक्स करते हुए हम लगभग 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारी अरबी बन चुकी है। गैस को बंद करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कट करके डालेंगे, और एक लास्ट में जो चीज़ हमें डालनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ाएगी, तो वो है चाट मसाला। तो ऊपर से हमने 1 चम्मच चाट मसाला डाल के मिक्स किया और ये सब्जी को हमने निकाल लिया प्लेट में। ये देखिए कितनी टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और एकदम अलग हट के एक नई रेसिपी तैयार है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये एक नई रेसिपी अरबी की सूखी सब्जी आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ये ज़रूर बताएं कि अरबी को आपके यहाँ पर